हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज द थिम्बल ऑफ ए स्क्रू गेज हैज 50 डिविजन्स। द स्पिंडल एडवांसेज 1 mm व्हेन द स्क्रू इज टर्न्ड थ्रू टू रिवॉल्यूशंस, देन द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो थिम्बल ऑफ ए स्क्रू गेज है वो रखता है 50 डिवीजन, 50 डिवीजन का है, और जो स्पिंडल है एडवांसेज दैट इज 1 mm जब स्क्रू और रोटेट या स्क्रू इज टर्न थ्रू टू रिवॉल्यूशन, तो हमें फाइंड करना है पिच ऑफ द स्क्रू गेज। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज पिच ऑफ स्क्रू गेज। ओके, तो हम जानते हैं कि जो पिच होती है दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस मूव अहेड इन 1 revolution। तो हेयर पिच इज इक्वल टू द डिस्टेंस मूव, डिस्टेंस मूव्ड या फिर टर्निंग या रिवॉल्यूशन। तो डिस्टेंस मूव हाइड इन 1 revolution, 1 revolution, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है स्क्रू इज टर्न थ्रू 2 revolution, तो हेयर स्क्रू इज टर्न थ्रू 2 revolution से। ओके, और जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास है दैट इज 1 mm। ओके, क्या है स्पिंडल एडवांस 1 mm जब स्क्रू टर्न कर रहा है 2 revolution, तो हमें कैलकुलेट करनी है पिच। तो पिच होती है डिस्टेंस मूव आइड इन 1 revolution, दैट मीन्स स्क्रू टर्न इन 1 revolution, दैट इज द पिच। तो हमारे पास पिच क्या हो जाएगी, पिच इज इसका क्या हो जाएगी, 1 के लिए करेंगे तो हाफ हो जाएगी, तो 1 mm upon 2, तो जो कि हो जाएगी हमारे पास 0.5 mm। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 0.5 mm। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।